ये देखिए सामान पूरा हमने रख दिया है, इधर वाला कमरा पूरा खाली हो चुका है। ये देखिए इधर वाले कमरे में हमने पूरे बॉक्स बना बना के रखे हुए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है लक्ष्मी मेहरा, स्वागत करती हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। कैसे हो गए, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। और अभी टाइम लगभग 7 बज रहा है और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। ये देखिए इधर मेरी हो रही है चाय गर्म, और अभी तक हस्बैंड जी तो आ नहीं रखे हैं, शायद वो आज आने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद। अभी मैंने फ़ोन किया था, बोले थे रोडवेज में हूँ, देखती हूँ कितने देर में पहुँचते हैं। पूरे एक महीने बाद आज वो घर आ रहे हैं, और घर आ रहे तो काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। बाहर मौसम भी आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, कल तो ऐसा मौसम हो रहा था क्या ही बताऊँ, पूरा कोहरा लग चुका था, लेकिन आज ठीक है, हल्का दुल्का ठंडा हो रहा है सुबह के टाइम में। ये देखिए बाहर का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है, बाहर का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए चारों तरफ से देखो कबूतर आ रहा है, और चारों तरफ से ऐसा हो रहा है, हल्की हल्की धूप आने लग गई है। यहाँ पर चेयर में मैक्स भी बैठा हुआ है, और देखिए कुछ ऐसा हो रहा है अभी का। सब लोग अपना अपना काम धीरे धीरे निपटा रहे हैं, चलो उनका वेट करते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। जी आए थे, अब मैक्स भौंक रहे हैं, देख ये देखो ये आ गए नीचे, आ गए हैं पतिदेव जी। चलो मैं पहुंचने वाले हैं, शायद आए तो नहीं, कहाँ चले गए देखो ना। पतिदेव जी आके आराम कर रहे हैं, और मैं बना रही हूँ उनके अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में देखो ये बनी है चटनी, और इधर आलू चढ़ा रखे हैं, और आज बनाएंगे आलू के स्पेशल के पराठे। चलो फटाफट पहले चटनी बना लेती हूँ, फिर पराठे फिर ले लेती हूँ आप लोग। ये मेरे को कभी सच्चाई नहीं बताते हैं कोई भी बात, वो तो क्या ही, क्योंकि हस्बैंड जी मुझे लेने के लिए आ रखे हैं, और अब हम यहाँ फिरोजपुर से जाने वाले हैं, एक दो दिन में ही चले जाएंगे शायद, क्योंकि सामान वामान पैक करते हैं और फिर देखते हैं, कल परसों में शायद निकल जाएंगे, ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर हमने पूरे 2 साल बिताए, काफ़ी अच्छे रहे 2 साल, और अब नई जगह जाएंगे, नई लोकेशन में जाएंगे, और आप लोगों के फिर वहाँ के वीडियो दिखाएंगे। और चलो फटाफट से सामान वामान पैक करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। आप लोग भी बने रहना हमारे ब्लॉग में और इन्जॉय करना, चलो चलते। ये देखिए सामान पूरा हमने रख दिया है, इधर वाला कमरा पूरा खाली हो चुका है। ये देखिए इधर वाले कमरे में हमने पूरे बॉक्स बना बना के रखे हुए हैं। ये देखिए इधर पूरा सामान पड़ा है, इधर भी ये पूरे बॉक्स में बर्तन वर्तन भर रखे हैं, पूरा सामान लगभग क्लोज हो चुका है, अभी गाड़ी आएगी थोड़ी देर बाद। ये देखिए रसोई भी पूरी सब कुछ निकाल दिया है, और हमारे बेडरूम का दिखाती हूँ, बेडरूम में भी पूरा सामान, खाली बिस्तर जाना है, और पूरा घर खाली खाली हो गया। काफ़ी बुरा लग रहा है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि इतने साल यहाँ पर रह गए तो काफ़ी अच्छा लगता था, और अब काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने वाला है हमें, क्योंकि नई जगह है, नया सब कुछ नया है। तो फिर और आप लोगों को आगे मेरे ब्लॉग में बने रहना, पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दिखाऊँगी अभी आपको थोड़ी देर बाद और क्या क्या होता है। पतिदेव जी सामान लेके जा रहे हैं बाहर को, पूरा ये साधने में लगे हैं, अब ये पर्दे बच गए हैं, पर्दे हम लास्ट में हटाएंगे जब पूरा हमारा सामान क्लोज हो गया। ऐसे कुछ हम बड़े बड़े गत्ते लेके आए थे, देखो इतने बड़े, और इधर कम्बल अम्बल रखे। चलो गाइस पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सामान लगभग हमने सारा पैक कर चुके हैं, और अब थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, और फिर गाड़ी में लोड करना है सामान, उसके बाद शायद आज हम भी आज ही निकल जाएंगे। अगर मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा तो मैं आपको रास्ते की वीडियो दिखाऊंगी, अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही दिखाऊँ। चलो फटाफट से इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, और आप लोग नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, अगर जो पहले से जुड़े हुए थे वो लोग शेयर करना, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग तब तक स्वस्थ रहना, मस्त रहना अपनी फैमिली के साथ। चलो बाय बाय।